लेकिन एक तरीके से ये मुमकिन है अगर वो ये मुमकिन तभी है अगर वो इस करेंसी को खुद प्रिंट करें। एग्जैक्टली ये मामला फेक करेंसी का है। हमारी एक वर्कर अपने पड़ोस की एक लड़की को अपने साथ लेके आई जिसका नाम सकीना था। उसका बाप एक ऐसे आदमी से उसकी शादी कर रहा है जिसे कोई नहीं जानता। क्या कहा तुमने कि उस लड़की की शादी एक ऐसे लड़के से की जा रही है जो इस गांव का नहीं है। हाँ बाहर से आया है और इसे कोई जानता भी नहीं। हाँ बताया तो यही था। पर अबे आपको अचानक क्या हुआ जो इसमें इंटरेस्ट लेने लगे? अभी तो मुझे कह रहे थे कि उनके पर्सनल अफेयर्स में मैं दखल अंदाजी ना करूं। शीतल तुम एक काम करो, तुम उस लड़की को कॉन्फिडेंस में लो और उससे कहो कि वो अपनी माँ को तुम्हारे पास लेकर आए। एंड देन वेरी स्मार्टली तुम उसकी माँ से ये पता लगाने की कोशिश करो कि आखिर वो लड़का कहाँ का है। लेकिन इससे शीतल प्लीज सुन, एलओसी पार करके कुछ लोग इधर आए हैं और वो यहां रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम एक काम करो, तुम उस लड़की की मां से कहना कि वो अपने पति से कुछ ना कहे इसके बारे में। और हां वो किसी आर्मी पर्सनल को जानती है इस बात की भी रेफरेंस ना दे, क्योंकि अगर ऐसा किया तो उस लड़की की जान को खतरा हो सकता है। ठीक है मैं कल सुबह उस लड़की की माँ को बुलाने की कोशिश करती हूँ। पर अब इस बात में एक बात अच्छी है कि उस लड़की की माँ खुद नहीं चाहती कि बाहर वाले आदमी से उसकी शादी हो। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर तो हो सकता है कि बात बन जाए। यू नो शीतल, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल कि हमें इस आदमी की सारी डिटेल्स के बारे में पता चले। आई विल डू माई बेस्ट। थैंक यू। पर दूध ठंडा हो रहा है। बट यू नो आई डोंट लाइक मिल्क। थोड़ी सी कॉफी डाल दो। बहुत कॉफी पीते हो आप, अभी सिर्फ दूध। ऑफिसर्स, इंटरपोल ने इंफॉर्मेशन दी है कि कुछ सस्पिशियस एलिमेंट्स एलओसी पार करके अंदर आए हैं और आगे और भी लोगों के आने के चांसेस हैं। हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पर भी इलीगली अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है। सी रूट्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊं कि 4 या 5 मिलिटेंट्स ऑलरेडी एलओसी पार करके अंदर आ गए। सर इतने ऊंचे पहाड़ घने जंगल उसके बावजूद भी हमारे जवान मुस्तैदी के साथ पेट्रोलिंग करते हैं। अब सर चप्पे चप्पे पर पेट्रोलिंग करना तो नामुमकिन है। और सर हमारे सारे जवान 24/7 राउंड द क्लॉक पेट्रोलिंग कर रहे हैं। I totally agree with you. I also understand कि ये बहुत unfortunate बात हमारे लिए है कि हम इतने difficult terrain में हैं। But anyways, Captain रजनी ने जो messages की decoding की थी, वो बिल्कुल सही थी। Do you know दुश्मन armed militants की जगह अब किसको भेज रहे हैं? This time they are sending drugs. एंड फेक करेंसी। यानी वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं, हमारे देश की इकोनॉमी को कमजोर करना चाहते हैं। और सर अगर एक बार कोई ड्रग्स का आदि हो जाता है फिर सर वहां से बचना बहुत मुश्किल हो जाता है।
क्योंकि ड्रग्स उसको अपना सर गुलाम बना लेती है। इस तरह से तो हमारी जो कमिंग जनरेशन है उसको तबाह करना चाहते हैं। You are absolutely right. हम सबको मिलके ये प्रण लेना चाहिए कि हम दुश्मन के इस प्लान को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। मैं आर्मी हेडक्वार्टर्स में ये रिपोर्ट पहुंचाऊंगा ताकि सभी सिक्योरिटी एजेंसी सतर्क हो जाएं। बस स्टैंड्स, रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट्स, एलओसीज, बॉर्डर्स, सब जगह पहरा बढ़ा देना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, हमारे जवानों को दिन रात पहरा देना होगा। आई डू अंडरस्टैंड कि हमारे जवानों ने प्रॉपरली बहुत दिनों से नींद नहीं हासिल की है, पर ऑफिसर्स इस वक्त हमारा मेन कंसर्न सिक्योरिटी है। यस सर। सो नो रेस्ट, दिस इज द कॉल ऑफ द आवर। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस सर। यस सर, ऑर्डर्स विल बी ओबेड। मुझे एक बात समझ में नहीं आई। एक ही बात समझ में नहीं आई या ये जो दुश्मन देश हमारे देश में नोटों के बैग भर भर के भेज रहा है साहब। साहब हम बहुत अमीर हो जाएंगे साहब, हमारे देश के गरीबों के पास भी बहुत पैसा होगा साहब। ओपी साहब, मेरे ख्याल से हर बंदे को अपना अपना काम ही करना चाहिए। बिल्कुल साहब, अपना काम करना चाहिए साहब। जिस विषय के बारे में ना पता हो ना, उसमें टांग मत अड़ाया करो। ये इकोनॉमिक्स आपके बस की बात नहीं है। क्या मेरे बस की बात नहीं सर? इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। सॉरी सर, सर मुझे वाकई समझ में नहीं आया साहब। इसीलिए कहता हूं कि हर आदमी को अपना अपना काम ही करना चाहिए। और अब जाओ और जवानों को कहां कहां भेजना है, उनकी ड्यूटी कहां लगानी है, सारी लिस्ट बनाकर मेरे पास लेकर आओ। जी सर। क्या बात है ओपी साहब? सब पुराना माने तो सब एक बात कहूं साहब जी। एक बात क्यों, दो बात कहो। साहब जी, अगर किसी को कोई बात समझ में ना आए साहब, तो उसे सब प्यार से भी समझाया जा सकता है साहब। सब आप जानते हैं कि मैं तो हूं संधारण साहब। चाहे साहब। मॉर्निंग मैम। आप मुझे बुला रहे हैं? आई मीन आपने मुझे मैडम कहा। जी। देखिए ऑफिसर, मेरा नाम सिमर है और मैं यही पसंद करती हूँ कि मेरे सीनियर्स और मेरे कलीग्स मुझे इसी नाम से बुलाएं। ओके सिमर, नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं होगी। हैव अ सीट। थैंक यू। हाँ तो आप बताइए, आपको मुझसे कुछ काम था? आई मीन आप मेरे ऑफिस में आए हैं। जी वो एक्चुअली मुझे कुछ डिजाइन्स के बारे में डिस्कस करना था। वो जो अभी रिसेंटली रॉकेट लॉन्चेस आए ना, बस उन्हीं के बारे में डिस्कस करना था। ऑफिसर, क्या वो रॉकेट लॉन्चेस मैंने डिजाइन किए हैं? जी जी नहीं। लेफ्टिनेंट रुद्र प्रताप, मैं इंजीनियर हूँ लेकिन मैंने वो रॉकेट लॉन्चेस डिजाइन नहीं किए। हाँ, अगर आपको उनके बारे में कुछ ओपिनियन चाहिए तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको वो डिजाइन डिस्कस करने हैं तो आपको उनके डिजाइनर के पास जाना चाहिए। ओह माय गॉड, आपसे बात करने से पहले तो प्रिपेयर होके आना पड़ेगा। यू आर वेरी डिफिकल्ट पर्सन। देन ट्राई टू हैंडल। ऑफिसर, हैव सम कट्स। आप सीधा सीधा कहिए कि आप कॉफी पीने आए थे और कॉफी के बहाने कुछ बातचीत करने आए थे। ये खामखा बीच में रॉकेट लॉन्चर्स को लाने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली यू आर राइट, वो क्या है ना कि मेरी पहली पोस्टिंग है, तो
पूछने में थोड़ी घबराहट होती है कि बात कहाँ से शुरू करूँ, और कैप्टन रजनी वो तो ऑलरेडी बहुत स्ट्रिक्ट है। एक्चुअली ऑफिसर, लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है मैं झट से पहचान लेती हूँ। आई मीन आई कैन रीड माइंड्स। दो कॉफी भेजिए जी। बाय द वे, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तो हर प्रोफेशन के लिए बहुत जरूरी है ऑफिसर। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप अपने कलीग के साथ डील कैसे करेंगे? ये आपका इशारा मेरी तरफ तो नहीं? मे बी और मे बी नॉट। समझदार को तो इशारा ही काफी होता है ना। अच्छा। जैन साहब। जैन, क्या बात ओम प्रकाश साहब? अभी तुम गए थे फिर वापस आ गए, मैंने तो आपको बुलाया नहीं। कोई काम है जा कुछ और पूछना है? सब वो दरअसल सब बात क्या सब सब बैठ जाऊं सब मैं? हाँ बैठो। थैंक यू सर। क्या बात, आपकी तबीयत ठीक है? जो कुछ पूछना है या समझना है जल्दी बोलो, मैंने रिपोर्ट तैयार करनी है। साहब मुझे नींद नहीं आती साहब। क्या? नहीं साहब वो बात नहीं साहब, सब मेरे दिमाग में एक बात घूम रही है साहब। सब दुश्मन देश जो हमारे देश में पैसा भेज रहा है वो बेकार क्यों साहब? सब आपने बोला वो क्या बोला, इको कुशास्त्र टाइप सब, मतलब इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। आही साहब जी, साहब जी आप हमारे सीनियर हैं साहब। सब आपकी ड्यूटी बनती है साहब कि आप हमें समझाएं। थैंक यू ओबी साहब, थैंक यू, आपने मुझे मेरी ड्यूटी याद करा दी। जी साहब, सब हमें भी तो नॉलेज होनी चाहिए ना साहब। सब कल को दुश्मन के बंदे ने मुझे कुछ बोला और मुझे समझना है साहब, तो सब क्या कहते हैं वो हमारी सब बेइज्जती खराब हो जाएगी ना सब। अच्छा तो अब फिर ध्यान से सुनो और समझो। देखो ओपी साहब, हरेक मुल्क की अपनी करेंसी होती है यानी रुपया पैसा, उसी रुपये पैसे से वो अपना सामान खरीदता है। लेकिन ये जो रुपया होता है ना, ये एक लिमिट में छापा जाता है उसकी वैल्यू रखने के लिए। कुछ समझ आ रहा है? जी साहब। सब रुपए से सामान खरीदा जाता है, यहां तक तो सब समझ में आ गया। सब मेरे एक रिश्तेदार अमेरिका से आया था, उसने सब $100 दिया और 6,000 रुपया ले लिया। सब वो भी बोल रहा था कि हमारे रुपए की कीमत कम है सब। हाँ ओपी साहब, बस यही वो पॉइंट है। हर मुल्क की करेंसी की वैल्यू उसकी प्रोडक्शन के हिसाब से होती है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो या फिर सोना हो। आप देखो, दुश्मन मुल्क हमारे मुल्क में नकली करेंसी भेज रहा है जिससे हमारी अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, इन्फ्लेशन होगा। बस अभी इतने सब थोड़ा थोड़ा सब समझ में आ रहा है। सब आपने बोला कि वो इन्फ्लेशन। हाँ साहब, साहब यही मैं बोलने वाला था, आपने बोल दिया साहब। बस ओपी साहब, तुम मोटी मोटी बातें याद रखो जितनी तुम्हारी अकल में आ रही है। सब मोटी मोटी बातें सब 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 आपने कहा था सब। ओम प्रकाश साहब देखो, बस एक बात रट लो कि दुश्मन मुल्क हमारे मुल्क में नकली करेंसी भेजकर हमारे देश को, हमारे लोगों को बर्बाद करना चाहता है, और ये हमने नहीं होने देना। गुत्थी सुलगी साहब। सब दुश्मन देश हमारे देश को कमजोर करना चाहता है, और जो लोग LOC पार करके हमारे देश में आते हैं हमें उन्हें पकड़ना है और उन्हें सजा दिलानी है। सब अब नकली नोटों वालों को सब मैं छोड़ने वाला नहीं सब। ठीक है साहब, चलता हूं सब। जैन साहब। जय। सब जी एक बात कहूं साहब, सब आपने इतने प्यार से मुझे समझाया, सब मुझे समझ में आ गया। सब हमारे पंजाब में कहावत है ना कि प्यार मोहब्बत भी कोई शय होती है। सब जहन साहब। जहन।
अरे साहब व्यापारी है साहब, काम से देर होगी तो घर जा रहे हैं। ये बैग में क्या है? क्या है इस बैग में? कुछ नहीं साहब, कपड़ा है हमारा अपना। ए, बैगी चेक, बैगी चेक। नीचे रख। अरे साहब ए, तू भी नीचे रख। अरे साहब आपको गर्लफ्रेंड हो गई है कुछ? नीचे रख, हाथ ऊपर। हरमिंदर तलाशी लो इनकी। बस आप देख ले, अब तो जाए। ए चुप, हाथ ऊपर। राजेंद्र बैग, बैग खोल के देखो। कपड़ा चुप, हाथ ऊपर। अच्छा तो यह तुम्हारा व्यापार, नकली नोट सप्लाई करते हो तुम लोग? जाने दो ना साहब, ये अपना नहीं है साहब। साहब गलती हो गई, आज के बाद कुछ नहीं करेंगे साहब, एक बार छोड़ दो साहब। संदीप पकड़ लो इन्हें, दोनों को पकड़ लो। साहब साहब जाने दो साहब। तुम दोनों की तलाश थी बहुत दिनों से, बहुत तंग किया हुआ था, बहुत परेशान किया था तुम दोनों ने। ए इन्हें हेडक्वार्टर लेके चलो। साहब साहब जाने दो, आज के बाद कभी नहीं करेंगे साहब। ये बैग बंद करो, ले चलो। साहब छोड़ दो साहब, आज के बाद कभी नहीं करेंगे साहब। जी बलदेव साहब, क्या खबर लाए? सर वो दोनों आदमी एलओसी पार दुश्मन देश से इधर आए, और बिल्लू सिंह साहब और जवानों ने उन्हें सबूतों समेत पकड़ा है। उनके पास से दो बैग बरामद हुए जिनमें करीबन 1 करोड़ के आसपास नकली करेंसी थी सर। 1 करोड़? वहां से इन्हें किसने भेजा? सर वो बता रहे थे कि इसरार नाम के आदमी ने हमें भेजा है। वो बहुत गरीब हैं, हम अपने बच्चों को पालने के लिए ये काम करते हैं, इस काम के लिए हमें बहुत अच्छा पैसा मिलता है, इसीलिए हम ये काम करते हैं। तो ये इनके पास इंडियन मोबाइल नंबर कहाँ से आए? सर इसरार ने ये नंबर लेकर दिए उन्हें। इसरार? अच्छा ये पैसा उन्हें कहाँ डिलीवर करना था? सर वो कह रहे थे कि इसी फोन नंबर पर उन्हें कॉल आएगी और वो लोग बताएंगे कि ये पैसा कहाँ कहाँ किसे डिलीवर करना है। भले साहब आप अच्छी तरह से इंटरोगेशन कीजिए, पूरी छानबीन करके पूरी रिपोर्ट उसके बाद मुझे दीजिए। सर इंटरोगेट करके ही हमें पता चलेगा कि उन लोगों के इधर किन किन लोकल्स के साथ कॉन्टेक्ट है और किसके साथ मिलकर वो ये काम करते हैं। बलदेव साहब, सर आप इन्हें साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दीजिए, बल्कि ऐसा कीजिए कि एक ऑफिसर को अपने साथ रखिए ताकि उन्हें यकीन हो जाए अगर उन्होंने जुबान नहीं खोली तो उन्हें कोई बचा नहीं पाएगा। ठीक है सर, आप किसी ऑफिसर को इंटरोगेशन के लिए भेज दें, हम दोनों बैठकर प्लानिंग बना लेंगे, यानी जैसे फिल्म का सीन लिखा जाता है। मेरे ख्याल से तो बलदेव साहब ये कोई पेशेवर मुजरिम तो है नहीं, बहुत जल्दी टूट जाएंगे, है ना? सर गरीबी इंसान से कुछ भी करवा सकती है, फिर लोग चाहे हमारे यहाँ के हो या उधर के हो, अगर असली अपराधी तो वो लोग हैं जो इन्हें इधर भेजते हैं या हमारे यहाँ के जो इस तरह नकली करेंसी का धंधा करते हैं। अब बलदेव साहब गरीबी में रहकर इन्होंने ये काम किया या किसी लालच के तहत, गुना तो गुना ही होता है ना। मैं इनकी पूरी चेन को पकड़ना चाहता हूँ। बलदेव साहब इनकी सेफ्टी का ख्याल रखिएगा। जी सर। क्योंकि इनकी जान को खतरा हो सकता है, हमें आईबी को सारे इनपुट देने बहुत जरूरी है, समझ गए? जी सर। देखो
सर सच बता दोगे तो तुम्हारी सजा कम हो सकती है। तुम दोनों को सबूत के साथ अरेस्ट किया गया है, इसलिए बचना नामुमकिन है। और जिन लोगों ने तुम्हें भेजा है ना, वो तुम्हें बचाने या छुड़वाने नहीं आएंगे। देखो मियां, बलदेव साहब आपसे प्यार से बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग मुंह नहीं खोलोगे। हम इसलिए प्यार से बात कर रहे हैं ताकि इस पतले शरीर को और मोटे शरीर को तकलीफ ना हो। वैसे टेढ़ी उंगली से हमें घी अच्छी तरह निकालना आता है। अगर मैं यहां से चला गया और ओपी साहब को यहां छोड़ गया तो फिर कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या बीतेगी। साहब आप अपना वक्त जाया ना करें, आप चाहें इनको मैं देखता हूं। ठीक है, मैंने एक दो मीटिंग भी अटेंड करनी है तो मैं चलता हूं, और आप जरा इन्हें अटेंड करो। सब सब, अब अगर हमने आपको कुछ भी बताया तो हमारे लोग हमें जान से मार देंगे। साहब देखो मियां, ये बात किसी को नहीं पता चलेगी कि हमें कहां से पता चला, और हमें अच्छी तरह मालूम है कि हमारे कुछ लोकल्स भी आपके साथ मिले हुए हैं। साहब हम सच सच बताते हैं साहब, अब हमारा यहाँ एक होटल में कमरा बुक था किसी दूसरे नाम से, वहां पे दो लोग हमसे मिलने आने वाले थे साहब, वो लोग यहीं के रहने वाले हैं साहब। पहले वो हमसे कांटेक्ट करते तभी वो हमारे रूम में आते, लेकिन अब आप लोगों ने हमें अरेस्ट कर लिया तो वो लोग होटल में नहीं पहुंचेंगे साहब। तुम्हारा कहने का मतलब है कि पहले तुम होटल में चेक इन करोगे तो फिर वो लोग आएंगे? जी साहब। समझ गया साहब, वो लोग होटल में जरूर आएंगे। होटल का नाम बताओ। अनेजा होटल साहब। सब हमने आपको सब बता दिया साहब, हमें छोड़ दें, आगे से ऐसा काम नहीं होगा साहब। बस एक बार माफ कर दे साहब। कैप्टन पठानिया। यस सर। आपने जो इसमें क्लोन सिम कार्ड डाला था वो चेक कर लिया था? जी सर। सर मैंने बहुत अच्छे से चेक कर लिया, जो भी कॉल्स उस नंबर पर आएंगी सर वही कॉल्स इस नंबर पर भी आएंगी। ये उस होटल का टेंटेटिव मैप है। जी सर। इसे हमें थोड़ा कैसे हो जाएगा कहाँ के एंट्री है और कहाँ से एग्जिट है। ओके सर।